हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मॉर्निंग में मैं वर्कआउट करने के लिए आ गया हूँ और आज ना मॉर्निंग बहुत ही बढ़िया है। और आज ना थोड़ा हार्ड फीलिंग हो रहा है क्योंकि कल मैंने इवनिंग में एक्सरसाइज कर ली थी, एब्स की एक्सरसाइज की थी, और अभी मैं फिर से मॉर्निंग में यहाँ पे आ चुका हूँ जिम में। और आज है मंडे 11 सितंबर 2023 और आज से मैं सिंगल वर्कआउट शुरू करने वाला हूँ और आज ना मैं शोल्डर का वर्कआउट करूँगा। वर्कआउट शुरू करने से पहले ना मैं हर बार स्ट्रेचिंग करता हूँ। स्ट्रेचिंग से क्या होता है, हमारे जो भी मसल्स होते हैं, बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं ना, वो सब रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत अच्छे से खुल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेचिंग करता हूँ और उसके बाद वर्कआउट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और आज शोल्डर में मैंने 5 सेट किए हैं और हर एक सेट मैंने 3-3 टाइम किया है। और ये जो भी एक्सरसाइज है ना, बेसिक एक्सरसाइज की है, आपने देखा ही है, और एकदम लाइट वेट किया है। जब भी हम वर्कआउट शुरू करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले तो हमें वेट लिफ्टिंग करनी ही नहीं चाहिए। पहले ना बेसिक एक्सरसाइज जो भी होती है, वार्म अप होता है वर्कआउट में, जैसे बेसिक एक्सरसाइज में जैसे पुशअप हो गया, पुलअप्स हो गया और सिटअप्स हो गए, ये मतलब मैं ये जो भी मतलब बेसिक एक्सरसाइज है ना, वही करनी चाहिए और धीरे धीरे फिर वेट लिफ्टिंग की तरफ भी आना चाहिए। और वेट लिफ्टिंग में भी पहले वेट लगा के नहीं करना है, धीरे धीरे मतलब मैं पहले एम्प्टी रोड पे बाइसेप करो, चेस्ट करो, ये वो जो भी करना है मतलब मैं एम्प्टी वेट पे कीजिए और धीरे धीरे फिर वेट इंक्रीज कीजिए। जो भी होता है ना, धीरे धीरे ही होता है, हर एक चीज़ धीरे धीरे ही होती है, ठीक है ना। और धीरे धीरे इंक्रीज़ करना पड़ता है, हर रोज़ हमें 1% इंक्रीज़ करना पड़ता है, तब जाके चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आती है, स्लोली स्लोली होता है। अभी मैं भी धीरे धीरे वेट भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ और मेरी जो भी मतलब मैं एक्सरसाइज है उस पर भी मैं फोकस कर रहा हूँ, अभी डाइट पर भी फोकस कर रहा हूँ, धीरे धीरे डाइट भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब कुछ स्लोली स्लोली होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वर्कआउट भी ख़त्म हो चुका है। आज 30 डे चैलेंज का आज 4th डे है और आज का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। आज की वीडियो भी यहीं तक रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।